आजकल हर कोई स्मार्टफोन का आदी हो चुका है। कहीं न कहीं स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी बन चुका है। सोते जागते उठते बैठते हम हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हम अपने सारे डाटा मोबाइल में स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे काम से संबंधित जानकारी, यहाँ तक कि हमारी बैंक व निजी संपत्ति की भी जानकारी हम अपने मोबाइल फोन में रखते हैं। ऐसे में अब मोबाइल की हैकिंग हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। दरअसल मोबाइल हैकिंग या स्मार्टफोन हैकिंग में हैकर्स हमारे मोबाइल फोन पर अपने वायरस या स्पैम वेयर के द्वारा चोरी छुपे हमारे मोबाइल का डाटा चोरी कर लेते हैं। मोबाइल हैक करके हैकर्स हमारा सिर्फ डाटा ही नहीं चुराते बल्कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारे पैसे भी चुरा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल हैक करके हैकर्स हमारे इंफॉर्मेशन को किसी को भी आसानी से बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मोबाइल हैकिंग या स्मार्टफोन हैकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे हम सब लोग बचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती से हमारा मोबाइल हैक हो सकता है। आज के इस आधुनिक युग में हर 10 में से 8 आदमी स्मार्टफोन यूज करता है। टेक्नोलॉजी दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट होते जा रहे हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार में हैकर्स भी नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। उन तरीकों का इस्तेमाल करके वे स्मार्ट डिवाइस को हैक कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे में हम आपको बता दें कि कई ऐप्स ऐसे हैं जिसे फोन में इंस्टॉल ना ही करने में भलाई है, क्योंकि ऐसे ही ऐप्स का यूज करके हैकर्स आपकी पर्सनल डिटेल्स हैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको कुछ ऐसे एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में हम बता रहे हैं जिन्हें इंस्टॉल करने से आपको बचना चाहिए। पहला, एंड्रॉइड क्लीनर ऐप्स। एंड्रॉइड के लिए कई क्लीनर ऐप्स आजकल प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं। ये ऐप्स कैश मेमोरी को वाइप करने के साथ साथ आपके डेटा को भी ट्रैक करते हैं। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद कई तरह के परमिशन की डिमांड करते हैं। ये परमिशन देने के बाद ही ऐप्स काम करते हैं। ये वैसे ही ऐड दिखाते हैं जिस पर क्लिक करने से आपका फोन मेलवेयर का शिकार हो सकता है। मौसम बताने वाले ऐप्स। कई मौसम बताने वाले ऐप्स आपके स्मार्टफोन के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे ऐप काफी पॉपुलर होते हैं लेकिन ये आपके फोन के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे कई ऐप्स इनबिल्ट ट्रोजन होते हैं जो डेटा कलेक्ट करके हैकर्स को भेज देते हैं, जो डेटा कलेक्ट करके आसानी से हैकर्स को भेज सकते हैं। VPN। वर्क फ्रॉम होम की दुनिया में कई VPN ऐप्स एंड्रॉइड के लिए आजकल उपलब्ध हैं, जो सही है, लेकिन एनालिसिस के अनुसार कुछ VPN ऐप्स यूजर्स के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये यूजर्स के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक की चोरी कर लेते हैं। इसके अलावा ये पर्सनल चैट्स, यहाँ तक कि आपकी फोटो भी चुरा सकते हैं। एंटीवायरस ऐप्स। अननोन डेवलपर की ओर से आने वाले एंटीवायरस आपके पर्सनल डेटा के लिए खतरनाक है। कुछ ऐप तो आपके फोन को ही पूरा का पूरा लॉक कर देते हैं। इन सबके अलावा ब्राउजर ऐप, ये चाइनीज ऐप है जो कि काफी खतरनाक है। कई थर्ड पार्टी ब्राउजर ऐप डेटा ट्रांसमिशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब इस चीनी ऐप के द्वारा आपके कीमती डेटा को आसानी से मिसयूज किया जा सकता है।